पाठ तीन। लालच का फल। हरिया ने अपनी मेहनत तथा लगन से संपन्न किसानों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी ये सब देखकर बड़ी खुशी होती और मन के किसी कोने में दबा अहंकार भी पुष्ट होता। उसकी संपन्नता गांव के कई लोगों को फूटी आंख न सुहाती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु उन पर इसका कोई प्रभाव न पड़ता। उसका सबसे नजदीकी पड़ोसी ही उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता। जब उससे सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि दो तीन लोगों को अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग हरिया से बैर खाने लगे। एक दिन हरिया अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने हरिया को बताया कि वह सतलुज नदी के पार से आ रहा है। वहाँ उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी हैं और व्यवहारिक भी। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती में वृद्धि हो, अधिक लोग वहाँ रहें। हरिया अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुँचा जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन में से उसे और उसके परिवार को 100 एकड़ जमीन दे दी गई थी। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से पशु खरीद लिए। हरिया आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में ही वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने हेतु हरिया के किवाड़ खटखटाए और अपने आने का कारण बताया। हरिया प्रेम पूर्वक उसे भीतर ले गया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेती बाड़ी की चर्चा हुई। सौदागर ने उसे बताया कि वह नीतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही हरिया नीतानी नदी के पार जमीन का किसान बनने के सपने देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर के बताए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहाँ जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर एवं एक नौकर को अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ से कोलों की बस्ती आरम्भ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका के आधार थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। हरिया ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषिये के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बता दिया। लोगों ने उसके साथ दीना का भी उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। हरिया के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। हरिया ने कहा, मैं आपकी जमीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह आपकी जमीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रुएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि यही हमारा मुखिया है। हरिया भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया चीजें निकाली और सरदार को भेंट कर दी। सरदार ने हरिया की भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को हरिया के आने का उद्देश्य बताया।
सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर हरिया से कहा, हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की जमीन ले लो। हरिया ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो जमीन मैं लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने हरिया की शर्त मान ली तब हरिया ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? 1,000 रुपया प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। हरिया चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1,000 होगा। एक शर्त और है, तुम जहाँ से चलोगे यदि उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले ना लौट पाए तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1,000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। हरिया ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर जमीन लेने को तैयार हो गया। बात पक्की हो अब अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद ना आई। विचारों की विशालता में जमीन का ही बिंदु घूमता रहा। वह सोचता रहा कि अपनी सारी शक्ति को वह चलने में ही लगा देगा जिससे अधिक से अधिक जमीन घेरी जा सके। इतनी जमीन घेर लूंगा कि मुझ जैसा किसान कहीं सुना भी न जा सकेगा। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैल और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके सपनों में भी ये बातें बनी रहीं। हरिया ने सवेरे उठकर नौकर को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वो खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गया तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। हरिया एक मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया हरिया को लेकर टेकड़ी पर पहुंचा। अपनी रोइंदार टोपी को उतार कर टीले पर रखते हुए उसने कहा, ये निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी जमीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। हरिया ने 1,000 रुपए गिनकर टोपी पर रख दिए, एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर आस्तीने चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वो यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वो तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकड़ी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई पर उसने खाया नहीं। बास्केट उतार कर कंधे पर रखी और अपनी चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे। उसने सोचा, काफी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया जिससे पता चले कि वो कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वो बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता था और वो चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। अब वो कुछ थकावट का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वो एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकाल कर खाई और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कि कहीं नींद न आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरम्भ कर दिया। काफी लंबी भूमि नाप कर वो बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोद कर उस पर घास का ढेर लगा कर अपना निशान बना दिया। अब वो फिर मुड़ गया, टेकड़ी की ओर देखा पर वो दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वो अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ काम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वो 3 किलोमीटर ही चला था कि देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया कि वो टेकड़ी से 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वो सीधा टेकड़ी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान बना दिया। अब हरिया इतना थक गया था
कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति क्षीण कर दी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगे उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वो तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने बास्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकड़ी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वो दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वो डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वो उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। हरिया भी अपने स्थान के निकट आ गया था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकड़ी पर टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धस चुका था। हरिया जान गया कि टेकड़ी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकड़ी पर लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। हरिया ने भी देखा कि टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और वो आंख मूंद कर टेकड़ी की ओर दौड़ा। टेकड़ी के पास पहुंचकर वो मुंह के बल गिरा और मुख से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ टेकड़ी पर रखी सरदार की टोपी तक पहुँच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। हरिया का नौकर दौड़ कर आ गया। उसने हरिया को उठाना चाहा। हरिया के मुंह से खून बह रहा था। वो मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और हरिया पर हंस भी रहे थे। नौकर ने हरिया के लिए कब्र खोदी और उसी में दफना दिया। हरिया के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन ही पर्याप्त थी।